नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नितिका। और जैसे कि हम हर वीडियो में आपको किचन गार्डन में जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं और हर्ब्स प्रेजेंट होती हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, तो वैसे ही आज हम आपको एलोवेरा के बारे में बताएंगे। आपका जो एलोवेरा है आपके किचन गार्डन में इजीली प्रेजेंट होता है, बट हमें इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसको लेना कैसे है वो मोस्टली पता नहीं रहता है। तो सबसे पहले ये हमारा जैसे एलोवेरा है, इसमें अंदर ये जो जेली प्रेजेंट होती है इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत अच्छा रिच सोर्स है हमारे विटामिंस का। और अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, ये तीनों की तीनों इसमें प्रेजेंट होती है। और अगर हम इसकी स्किन के बारे में बात करें, जो हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक में, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगर हम कॉस्मेटिक की वजह से बात करें तो ये आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन में ग्लो लाता है और आपके हेयर्स को भी बहुत ज़्यादा शाइनी बनाता है। इसके साथ साथ अगर किसी को बर्न्स हो जाते हैं, सोर्स है, तो आप इसका एक्सटर्नल यूज़ भी कर सकते हो। और अगर हम डाइजेशन की बात करें तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है ये उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप शुगर की बात करें, आपकी ब्लड शुगर को ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एलोवेरा के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका यूज़ करोगे, इसको चाहे आप कॉस्मेटिक वे से यूज़ करो चाहे मेडिसिनल वे से यूज़ करो, आप दोनों वे से इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्वगुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्वगुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।